नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार इस समय मैं मौजूद हूँ भिवंडी के निजामपुरा अनवर भुबे हॉल में, जहाँ आपको बता दें कि आज समाजवादी पार्टी की एक विशेष बैठक यानी कि भिवंडी महानगर और कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य तौर पर समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष व विधायक अबू आसिम आजमी का आगमन था। खासकर आपको बता दें कि भिवंडी शहर में पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया के माध्यम से और कईयों के जवानों से हमने सुना था कि भिवंडी पूर्व के विधायक रईस शेख का टिकट काटने की तैयारी में अबू आसिम आजमी है। इस बात को लेकर आपको बता दें कि अबू आसिम स्वतः आज भिवंडी शहर आए और कार्यकर्ताओं के बीच में उन्होंने ये खुलासा किया कि भिवंडी पूर्व से रईस शेख को ही टिकट दिया जाएगा। इस तरह की बातें जो खुलकर सामने आ रही थी, कार्यकर्ताओं को संबोधन करते हुए वहां पर अबू आसिम आजमी थे। मंच पे देख सकते हैं कि रियाज आजमी भी दिखाई दे, जो कि पश्चिम के पूरे कारोबार जिनके नेतृत्व में किया जा रहा है, पश्चिम की भी टिकट की मांग जो है अबू आसिम आज भी करेंगे, इस तरह की जानकारी उन्होंने दिया। लेकिन आपको बता दें कि जो घमासान, जो नाराजगियां कार्यकर्ताओं के अंदर दिखाई दे रही थी, उनका नाराजगियों को दूर करने के लिए अबू आसिम आज भी भिवंडी शहर पर आज आए हुए थे। और बता दें कि पूरा अनवर भुबे हॉल जो है पूरी तरह से भरा हुआ था, यानी कि हजारों की संख्या में कार्यकर्ता पूर्व और पश्चिम के लोग यहाँ पर मौजूद थे। कार्यकर्ताओं के जुबान पर अपने नेता को लेकर यहाँ पर काफी उत्साह थे। किसी कहीं यहाँ पर कार्यकर्ता रियाज आजमी का नाम ले रहे थे, तो कहीं पर विधायक रईस शेख का नाम ले रहे थे। इस तरह की गूंजे जो यहाँ पर सुनने को मिली। लेकिन आपको बता दें कि अबू आसिम आजमी भिवंडी शहर को लेकर काफी चिंतित होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आगामी विधानसभा का चुनाव नजदीक है और उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में 12 सीट की दावेदारी ठोकी है कि 12 सीट पर जो है समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। बता दें कि वहीं पर समाजवादी पार्टी के भिवंडी शहर के अध्यक्ष के रूप में महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष अबू आसिम आजमी अपने काम को भी करने वाले। यहाँ की आज इस मंच से जो है उन्होंने ये घोषणा की है कि भिवंडी शहर के अध्यक्ष के रूप में वो स्वतः अबू आसिम आजमी जो है काम करेंगे। अब देखना यह है कि इस कार्यकर्ता सम्मेलन से कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर हुई या नहीं, क्योंकि देखा जाए कार्यकर्ताओं की नाराजगी से कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को नुकसान भी हो सकता है। क्या जिस तरह से अबू आसिम आजमी ने यहाँ पर रियाज आजमी और रईस शेख को लेकर जो बातें की, तो क्या दोनों का मेल मिलाप हुआ या नहीं, एक बड़ा सवाल बना हुआ है। अब देखना यह है दोनों मिलकर समाजवादी पार्टी की संगठना को यहाँ पर बढ़ाते हैं या फिर अलग अलग रहकर अपने कार्य को। ओके सर, क्या कहे कि आज यहाँ पर कार्यकर्ताओं का सम्मेलन रखा गया था, जो नाराजगियां थी वो नाराजगियां कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर नाराजगियां कार्यकर्ताओं के अंदर देखने को मिल रही थी। आपने सभा में सभी को संबोधित किया, क्या लगता है कि सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर काम करेंगे या नहीं? नहीं, देखिए ऐसा है ना कि दिल साफ नहीं लोगों का है, यहाँ लोगों में दिल साफ नहीं है, लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं, इसलिए मुझे आना पड़ा कि सब लोग अगर नहीं साथ रहोगे तो पार्टी का काम सही तरीके से नहीं हो। कार्यकर्ता आपस में यहाँ कर ईस्ट वेस्ट तो मैं इसलिए आया हूँ, तो मैं ईस्ट में हमारे उम्मीदवार रईस है, वेस्ट में हमें उम्मीदवार रियाज है, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सब मिल के काम करो। अभी हमको पार्टी को हम लोग कोशिश करना है, अगली बार हम लोग इतनी सीटें चुन के आए कि समाजवादी पार्टी का महाराजा में रुतबा बढ़ेगा। और अभी आपको पता है 5 सीट से 37 सीट हुई है और अभी समाजवादी पार्टी का ग्राफ बढ़ा है, स्कूल की तीसरी पार्टी समाजवादी पार्टी बनी है, तो हम सब कार्यकर्ताओं को अपनी पूरी मेहनत मशक्कत करके इस पार्टी को आगे ले जाना है, ये कोशिश कर रहे हैं। ये 12 सीट हम मांग रहे हैं, अब क्या होता है देखते हैं। दोनों सीटें मांगने का हमारा जवाब है ना कि हम भिवंडी की दोनों सीटें चुनकर आ चुके हैं, कांग्रेस का पूछ जाए एक बार क्या दे लो कि हम लोग नहीं लड़ते हैं, तो क्या हम लड़ते हैं तो सीटें चुनकर लाते हैं अगर और बिना अलायंस के चुन के आते हैं। महाविकास अघाड़ी अगर साथ में आपके चुनाव लड़ने पड़ती है, किसका अगर कुर्बानी देने के लिए बोलती तो कौन सी सोचती है? महाविकास अघाड़ी के साथ अगर आप गठबंधन में है, एक सीट की कुर्बानी अगर देने की बात आएगी तो कहाँ से देगी आप? नहीं देखते ना, देखिए हमारी 20 की सीट तो पक्की है, वो तो हम कुर्बानी दे नहीं सकते, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, वहाँ हमारा सीटिंग मिल रहा है, दूसरी सीट भी मैं दूंगा। भाई ये बताइए, जो जिससे भी आप मुंबई से चल के भिवंडी आए हैं, ये रईस शेख का टिकट अबू आसिम आजमी ने काट दिया, ये बात उठी कहाँ से और भिवंडी से बम्बई तक पहुंची कैसे? क्या लगता है आपको, ये खबर चलवाई गई है किसी के थ्रू या प्रोपेगेंडा के? मैंने देखा बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, मैंने देखा वीडियो देखा मैंने कि भाई रईस शेख को किसी टिकट की जरूरत नहीं है, ऐसा आजाद चुन के आ सकते हैं, ये लोग कन्फर्म कुछ पता है, न्यूज में आ रहा है ऐसा आ रहा है वैसा आ रहा है, तो मैं मेरी तरफ से तो क्लियर करूँगा भाई, मैं तो रईस शेख मेरे उम्मीदवार हैं या MLA हैं, अब रईस शेख क्या चाहते हैं और इसे बता दें। नहीं मैं बोल रहा हूँ कि मैं ये कन्फ्यूजन लोग पैदा कर रहे हैं, आप बोलो नहीं बात,
मैंने बोला, मैं मेरी बात बोल रहा हूँ ना, मैं जनता क्यों ऐसा कह रही है, मैं बोला दुनिया में कोई भी मेरे ना कितना लोग चिल्लाए आप उसकी बात मत मानिए। मैं जब कहा कि अगर मैं जिंदा रहा और टिकट मेरे हाथ से गया तो रईस को टिकट जाएगा और किसी को नहीं जाएगा, मेरे घर का कोई आदमी नहीं लड़ेगा, मेरा कोई रिश्ता राजनीति में नहीं है, मैं पार्टी में ये सब चीजें नहीं करना चाहता हूँ। जिसका हक है उसको टिकट मिलना चाहिए, मैं टिकट नहीं ले रहा उसका। अब जब मैं रोज सुनते थक गया, मुझे वीडियो ला के दिखा रहे तो अभी मुझे आगे बात आगे बोलना पड़ा। खुद क्या ये खबर चलवाई जा रही है जानबूझ के जिससे अबू आसिफ के ऊपर प्रेशर पड़ सके? नहीं नहीं, मैं प्रेशर किस बात का कि मैं टिकट, मैं अगर मेरे दिलो दिमाग में ऐसी कुछ बात होती मैं आता क्यों यहाँ पे, जरूरत क्या मुझे आने, मैं पार्टी बढ़ाऊँ या घटाऊँ? सर क्या लगता है जो नाराजगी है इससे पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है? जिस तरह से नाराजगियां लोगों की चल रही थी पार्टी को भी सभी मतलब कहीं खराब हो रही थी, बहुत रही मैं शराब इसे तो क्या कोशिश करना सब करना। आज की कार्यकर्ता सब पहले से क्या लगता है सारे कार्यकर्ता एक प्लेटफॉर्म से आ जाएंगे? ठीक है, कोशिश करना चाहिए, उम्मीद ही ना उम्मीद जो है ना उम्मीद खुश रहे, उम्मीद रखना चाहिए अच्छी उम्मीद, मैं शराब उम्मीद क्यों रखूँ। अच्छा भाई आपके सामने नवाब अली साहब फॉर्म भरे, हाँ मेरी तैयारी जो थी वो है, मैं तो जैसा कोई और ट्राई नहीं करता हूँ, मैं अपना जैसे काम साल भर करता हूँ इसी कर रहा हूँ, जीतूंगा मुझे कोई फर्क नहीं। क्या कहेंगे जिस तरह से समाजवादी पार्टी के किसी भी सम्मेलन या किसी भी कार्यक्रम में विधायक और पश्चिम के जो जिनको जिम्मेदारी दी गई थी जैसे कि रही थे बिहार आज आदमी एक प्लेटफॉर्म पे दिखाई देंगे या फिर अलग अलग तरीके काम करते दिखाई देना चाहिए इंशाल्लाह देना चाहिए? अरे भाई जितने बढ़िया बजा देखिए क्या आज तक आदमी भाई एक आदमी सवाल, क्या नाराजगी खत्म होने के बाद प्रचार करेंगे?